हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में एक हॉट टॉपिक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और हॉट टॉपिक क्या, एक्चुअली जितने भी लोग होते हैं मोस्टली क्या होता है, उनका एक सवाल रहता है, वो हर एक से सवाल करते हैं। मेरे पास भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि इसका टारगेट क्या है, इस स्टॉक का टारगेट क्या है, उस स्टॉक का टारगेट क्या है, इस स्टॉक ये कहाँ तक जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा। तो एक टारगेट कैसे पता करें, ओके, हाउ टू फाइंड आउट अ टारगेट ऑफ एनी स्टॉक, ओके, किसी भी स्टॉक का टारगेट किस तरीके से पता करें, उस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है, ओके, और उसी चीज़ से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके सामने आती रहे। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज कि ये जो स्टडी है मेरी खुद की स्टडी है, ओके, एंड वन मोर थिंग कि इसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अलग लोगों के अलग व्यू हो सकते हैं, दूसरे लोगों के अलग व्यू हो सकते हैं। सो आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, अदर कुड बी राइट, अदर कुड बी रॉन्ग, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बट सबके अपने अपने स्ट्रैटेजी होती है, अपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो काम करते हैं। और जिसको जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, जिस तरीके से कोई अगर 1 रुपये कमा सकता है, ओके, 10 रुपये कमा सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग चलता है और उसी को डिसिप्लिन कहते हैं और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। और मार्केट में जो भी लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, मार्केट में को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, जो डिसिप्लिन से चलते हैं। ये नहीं कि आज ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आज उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आपकी स्टडी है, आपको बिलीव है, हिट इट, ओके, उसे कहते हैं लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मार दो, टूटेगा नहीं टूटेगा, ओके, किस तरीके से आपको गेन मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, नहीं भी मिलेगा एक्सपीरियंस मिलेगा, मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसा मिलेगा, तो यही मार्केट का असूल होता है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसिप्लिन, अगर एक स्टॉक में वो स्ट्रैटेजी नहीं चली दूसरे में चलेगी, दूसरे में नहीं चली तीसरे में चलेगी, बट जिस दिन चलेगी उस दिन आपको अच्छा खासा गेन होगा और आपकी स्टडी परफेक्ट है। तो अपने आप पे बिलीव करना सीखे, और इससे में हम मेरी स्टडी है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल से बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है सिम्फनी लिमिटेड ब्रेकआउट शेयर से रिलेटेड, और अगर हम बात करें यहाँ पर कल की डेट में काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट, मैक्स हेल्थ केयर, एक और ब्रेकआउट स्टॉक था, ओके, जेटी की टी, उससे रिलेटेड बातें करी थी। जाके वीडियो को देखिए, अच्छी वीडियोस है, आपको नॉलेज मिलेगी, पैसा लगाते हैं तो पैसा भी आप लगा सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। तो सबसे पहले टारगेट, किसी भी स्टॉक का टारगेट, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है हाउ टू फाइंड आउट टारगेट, सर इसका टारगेट क्या है, मैम उसका टारगेट क्या है, और न्यूज़ में बताते रहते हैं ये स्टॉक इतना भागेगा, ये स्टॉक इतना भागेगा, ओके, ये डाबर का स्टॉक है, ये 550 तक जाएगा, ये आज गिरेगा, कल ये भागेगा, इस तरीके से स्पेकुलेशन चलती रहती है। इसे स्पेकुलेटर कहते हैं, इसे स्पेकुलेशन कहते हैं, ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से ये होता है उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हाउ टू फाइंड आउट टारगेट ऑफ एनी स्टॉक, तो किस तरीके से आप, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पहले अपने आप को पहचानिए कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर यू इन्वेस्टर, आर यू ट्रेडर, पहले आप अपने आप को पहचानिए कि ये आप क्या हो, कि आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, आप एग्जैक्टली हो क्या। अगर आपको पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। जब आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा तो अगला स्टेप आता है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो किस तरीके के इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो तो किस तरीके के ट्रेडर हो, क्योंकि इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों में डिफ्रेंशिएशन होता है। क्योंकि देखिए, हम सब आते हैं मार्केट में, हम कहते हैं कि हम इन्वेस्टर बनेंगे, ओके, बट हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा, वो 50 रुपये पे आ गया, तो क्या होता है कि हम घबराने लग जाते हैं और फिर हमारा जो इन्वेस्टर पना होता है वो दूर भाग जाता है और हम एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करने के जस्ट बाद वो शेयर 100 की जगह 150 पे चले जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है। तो इसलिए आप अपने आप को एक बार डिफाइन करो कि व्हाट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। अगर ट्रेडर भी हो तो ट्रेडर में किस तरीके के ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, मतलब स्विंग ट्रेडर हो, या नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं इंट्राडे करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में खेलते हैं, तो आप किस तरीके के ट्रेडर्स हो, उसे भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। आप किस तरह, मतलब अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर एक्चुअली होता क्या है, पहले ये इस चीज़ का आंसर दे देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टर्स मीन्स आइडेंटिफाई द बिजनेस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एंड बाई एंड फॉरगेट, मतलब ऐसा बिजनेस आपको ढूंढना है कि 10 साल तक जो चले और उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट करने के बाद उसे भूल जाइए और फिर उसके बाद देखिए। मतलब बाई एंड फॉरगेट मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए, बट आपको चेक करना होता है, बट स्टिल आपको देखना है कि ये आपने जो भी बिजनेस को आइडेंटिफाई किया है, जो भी आपने स्टॉक को लिया है किसी भी बिजनेस का, उसे लेके भूल जाना है 5 साल 10 साल के लिए, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं 10 साल के लिए शेयर लिया तो भूल जाओ। एट दैट टाइम क्या होगा, यू विल अचीव अ टारगेट एंड रिवॉर्डेड बाई हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एंड योर मनी विल बी कंपाउंडेड बाई एन नंबर ऑफ एक्स, मीन्स एन एक्स मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10x से 12x से 100x से। आपने देखा है ना काफ़ी स्टॉक्स होते हैं आपको 10,000% के रिटर्न देते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक होते हैं आपको मतलब एक एक साल में 500% के रिटर्न देते हैं। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी दिन तक नहीं चलेंगे, सुस्त पड़े रहेंगे, फिर उसके बाद भागते हुए नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें वॉरेन बफेट साहब, ओके, राकेश झुनझुनवाला साहब और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता चल जाएगी वो इन्वेस्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने है, ओके, एक साल से की बात करते हैं, हम एक साल की बात कर लेते हैं, तो एक साल से इस स्टॉक ने ना आपको ना के बराबर रिटर्न्स दिए, जहाँ पर काफ़ी लोगों के रिटर्न की बात करें तो मल्टीपल्स हो गए हैं 500% के रिटर्न, 1000% के रिटर्न, बट किसी ने HUL में इन्वेस्ट किया है तो HUL में कितने 10-15% के रिटर्न दिए एक साल में। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, अगर किसी ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू किया है तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे 1322% के रिटर्न मिले हैं। तो आपको अपने आप को डिफाइन करना है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, तो उसमें आपको लेके बैठना होता है और अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को आपको लेके बैठना होता है। आपकी नज़रें होनी चाहिए पारखी, उस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि आप, जैसे कि आप बात करें वॉरेन बफेट साहब की, एक स्टॉक को पकड़ते हैं लेके बैठते हैं, जिलेट अभी तक पकड़ रखा है, कोको कोला अभी तक पकड़ रखा है, ऐसे मल्टीपल जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसके आज CEO है, तो अच्छे खासे इस तरीके से ये चीज़ करते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, लुपिन का अच्छा खासा एक स्टॉक है, अगर बात करें इनकी टाइटन से रिलेटेड अगर आपने न्यूज़ सुनी है, 4 रुपये का स्टॉक खरीदा था आज की डेट में, मतलब 8,000 करोड़ केवल इन्होंने इसी एक स्टॉक से, टाइटन से इन्होंने कमाई है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर सबसे पहले, ओके, जब एक बार ये आ गया तो आपको ये नहीं है कि 50 रुपये का शेयर खरीदा, कल को 20 रुपये पे आ गया तो आप डर गए, आपने इस खुद की स्टडी करी है तो आप डिसिप्लिन से चलिए, अच्छा खासा भाग जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें, फिर उसके बाद आता है ट्रेडर। तो ट्रेडर की अगर बात करें, फॉर ट्रेडर लाइक इंट्राडे ट्रेडर और स्पेकुलेटर, क्योंकि ट्रेडर्स को स्पेकुलेटर भी कहते हैं, वो डू ट्रेडिंग ऑन डेली बेसिस जिसे इंट्राडे कहते हैं, एंड प्ले इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर, जो कि ऑप्शन फ्यूचर कॉल पुट शॉर्ट लॉन्ग इस तरीके से उनमें खेलते हैं। तो ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर को तो देखिए मोस्टली लोग क्या कहते हैं, सुसाइड करना कहते हैं, इसलिए कोई भी इसे प्रिफर नहीं करता, मोस्टली जो दिमागदार लोग हैं ना वो तो बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करते। दे स्पेकुलेट द स्टॉक्स ऑन और निफ्टी 50 या बैंक, मतलब किसी भी स्टॉक्स में, फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं या फिर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में, अपने हिसाब से वो अपनी खुद की स्टडी के हिसाब से वो उसमें ट्रेड लेते हैं। और इसमें क्या होता है, पीपल लॉस्ट देयर इंटायर मनी एट वंस, मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपने 10 साल तक पैसा कमाया है एक दिन के अंदर अंदर गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। दे यूज पाइवट्स पॉइंट्स, मतलब पाइवट्स पॉइंट्स क्या होता है पहले बात करते हैं, बट इससे पहले बात कर देता हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर पैसा खो देते हैं, इस चीज को याद रखिए थोड़ा सा। तो क्यों खो देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, बिल हवांग हैड $20 बिलियन, $20 बिलियन में आप कितनी जीरो होती है वो भूल जाए, आप लिख नहीं पाएंगे। अगर बात करें, उन्होंने बिल हवांग ने $20 बिलियन जो कि काफ़ी हार्ड मनी थी, इन्होंने कमाए थे, दे लॉस्ट इट ऑल इन 2 डेज, दो दिन के अंदर अंदर मतलब $20 बिलियन कमा दिया, बड़े बड़े बैंकों के लॉस हो गए। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सुसाइड वाला होता है, फिर उसके बाद लोग सोचते हैं सुसाइड ही कर लो, इससे बाद में कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, इंट्राडे कर लिया, ये कर लिया, आप अच्छे खासे तरीके से कर सकते हैं। आप या तो बनिए इन्वेस्टर सबसे अच्छी चीज़ है, और वेट करिए, आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप एक अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है ना, वो भी मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा लें, जिनको मार्केट की नॉलेज है वो ट्रेडिंग कर करके अपने आप को जीरो पे ले आते हैं, और जिन्हें नॉलेज नहीं है वो इन्वेस्टिंग करके 100 करोड़ के यहाँ पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ पर कमा के बैठे हुए। अगर बात करें यहाँ पर, दे यूज़ पाइवर्स पॉइंट्स इन द
चार्ट बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन एंड दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ स्टॉप लॉस। और जो ट्रेडर्स होते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए स्टॉप लॉस। और इसके अलावा पाइवट्स पॉइंट्स क्या होते हैं, तो अगर पाइवट्स पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, पाइवट्स पॉइंट्स नथिंग बट द पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पर से मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अगर बात करें ये एक लेवल हो गया कि यहाँ पर मार्केट बार बार स्टे करती है, रेजिस्टेंस लेवल जिसे कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एक पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर की बात करें यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। इस तरीके से वो छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं और थोड़ी थोड़ी उसी तरीके से कि हाँ यहाँ से निकलेगा तो मैं ऊपर ट्रेडिंग लूँगा, यहाँ से निकला तो मैं शॉर्ट में ट्रेडिंग लूँगा, इस तरीके की ट्रेडिंग वो लेते हैं। और इसके साथ साथ अपना स्टॉप लॉस या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अकॉर्डिंग टू ट्रेड प्रोटोकॉल के हिसाब से या फिर लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से वो अपनी स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये पाइवट्स पॉइंट्स होते हैं और पाइवट्स पॉइंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर बात करें हम यहाँ पर, ये तो हो गया इंट्राडे की बात, अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ओके बगुले की तरह होते हैं, बगुले जैसे या फिर आप कह लीजिए चीता होता है ना, वेट करता रहता है कि कब शिकार आएगा, या बगुला होता है वो भी ध्यान लगाया रहता है कि कब मछली को पकड़ना है, या आप बात कर लीजिए बड़ी सी एक गिद्ध होता है, गिद्ध भी दूर से नज़र बनाए रखता है कि कब कब उसे वार करना है। तो ऐसे होते हैं, तो स्विंग ट्रेडर्स आर ऑल्सो स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेटरी होते हैं बट दे ओनली डिफरेंस बट द ओनली डिफरेंस इज दे प्लेड सेफ, मतलब वो सेफ के लिए खेलते हैं। क्या करते हैं वो, पहली बात वो अच्छे स्टॉक्स में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपना पैसा लगाते हैं, ओके दे आर लाइक इन्वेस्टर्स, और वो एक इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। और वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ स्टॉप लॉस, वो टेक स्टॉप लॉस की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। कल को नीचे भी शेयर आ गया बाय ऑन डिप्स कर लेंगे, अदरवाइज क्या है कि वो ट्रेडिंग ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की स्टडी करते रहते हैं एंड डू ट्रेडिंग इन सेफ, मतलब सेफ मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में। कि कल को अगर बात करें कि एचयूएल में यहाँ पर ट्रेडिंग ली, समझ लीजिए एचयूएल का स्टॉक है ये, ओके यहाँ पर ट्रेडिंग ली, हमें पता है कि इसका चार्ट पैटर्न अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, मिलियंस ऑफ लोग पीपल यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एवरीथिंग इज सेफ। कल को यहाँ पर 2361 रुपए पे यहाँ पर एक ट्रेडिंग ली, और कल को अगर ये शेयर नीचे आ जाता है 2300 रुपए पे, तो उन्हें स्टॉप लॉस या उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्टॉक 2300 रुपए से अगर एक तरीके से वो एक महीने के लिए वेट कर सकते हैं, एक साल के लिए वेट कर सकते हैं, ट्रेडर की तरह मतलब इन्वेस्टर की तरह ही हो गए, बट उस उन्हें ज़्यादा फायदा होता है इस चीज़ का, हमेशा याद रखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से भी ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर वो स्मार्टली इन्वेस्ट करें। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ऊपर लेवल पर बेच देते हैं, नीचे लेवल पर खरीद लेते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि टारगेट क्या है, टारगेट का अगर मीनिंग अगर समझे, अ रिजल्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, मतलब वो चीज़ जो आप अचीव करने के लिए मार्केट में आए हैं। अगर बात करें यहाँ पर, अगर हमने अभी एक वीडियो बनाई है सिम्फनी से रिलेटेड, ओके यहाँ पर वीडियो है, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिम्फनी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनी हुई है। तो इसकी यही एग्जांपल ले लेता हूँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, उन्होंने जो स्विंग ट्रेडर है उन्होंने यहाँ पोजीशन बना ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर जैसे ही ये पोजीशन है यहाँ पर तो इसे जाना ही है, ओके। और शेयर कैसा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बोनस प्लेट एज वेल एज डेट फ्री कंपनी, तो मतलब अच्छी कंपनी में एक तो इन्वेस्टेड हो गया, कल की डेट में अगर ये और थोड़ा नीचे चला जाता है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर से ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट होने के बाद एक बार यहां पर आया और यहां से भी ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर टारगेट इसका है, ओके। और यहां पर रिटर्न कितने मिलेंगे, यहां पर रिटर्न मिलेंगे 100% के रिटर्न, अभी 50% दिखा रहा है यहां पर, और 50% है, 50 और 50 इंक्लूडिंग 99 कह दो, या फिर यहां पर ऑल टाइम हाई भी इसका यही लेवल है। तो वो मतलब वो स्पेकुलेशन करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और यहां पर वो चुपचाप निकल जाएंगे, ओके अच्छा खासा गेन लेके वो यहां निकल जाएंगे। और कोई भी स्टॉक, आपको बताऊं, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर ही ऊपर भागता रहे, ऊपर नीचे करके करते 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 आ जाएगा। और 100% के रिटर्न अगर 2 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर मिल जाते हैं, तो किसका क्या बेकार जा रहा है, 100% के रिटर्न 2 साल में मिलना, इट्स अ मल्टी बैगर, मतलब अब एक SIP मोड पे अगर पैसा लगाते हैं, या फिर कहते हैं कैलकुलेशन करके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगी आपका पैसा किस तरीके से मल्टी बैगर बन जाएगा, आपके पैसे कितने बन जाएंगे, यू कांट इवन इमेजिन। इस तरीके से यहाँ पर स्पेकुलेशन करके मतलब स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। अब जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर हम बात करें JTE KT,
मॉर्निंग में मुझे पता चल गई थी ये शेयर भागने वाला है। ओके यहाँ पर देखो मैंने 91.4 रुपये यहाँ पर वो अपना वो लगा रखा था कि बाइंग करने का, 91.5 पर आके यहाँ पर रुक गया। ओके पॉइंट बस 10 पैसे का थोड़ा सा अंतर हो गया और ये इसने यहाँ पर भाग गया 95। और इसका ब्रेकआउट लेवल बहुत अच्छा है, 150 रुपीज़ तक ये जाने की पूरी चेष्टा करेगा तो यहाँ पर 61% के यहाँ पर अपसाइड सीधे मिल रहे हैं, यहाँ पर सीधे चले जाएंगे। 61% एक साल में भी मिल गए तो अच्छा खासा गेन है। तो इसी तरीके से वो यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से खेलते हैं और यहाँ पर ट्रेडर भी वही करते हैं, बट ट्रेडर को अपनी पोजिशन इंट्राडे में एक दिन में काटनी होती है। ओके या फिर उन्हें अगर किसी मतलब फ्यूचर्स ऑप्शन करते हैं तो उन्हें मंथली वाइज लेना पड़ता है कि एक महीने की पोजिशन है, मई की पोजिशन है, अप्रैल की है, ओके या फिर जून जुलाई की है, इस तरीके से उन्हें पोजिशन इस हिसाब से काटनी होती है। बट यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स को इस तरीके की कोई डरने की, अगर कल की डेट में शेयर नीचे आ गया बाय एंड डिप्स कर लो, ऊपर जाना है आपको पता ही है, तो ये उनके लिए और अपॉर्चुनिटी वाली बात होती है। तो आपको समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर यू, स्विंग ट्रेडर्स, आर यू ट्रेडर्स, ओके आर यू इंट्राडे ट्रेडर्स, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसके हिसाब से आपको टारगेट डिसाइड करना है कि टारगेट, तो टारगेट अगर बात करें राकेश झुनझुनवाला से, आप कहते हैं कि कोई टारगेट नहीं होता, ओके जो बताते रहते हैं टीवी पर बैठ के कि ये टारगेट वो टारगेट, तो वो ही डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ टारगेट। वॉरेन बफेट सेम इन्वेस्टर्स है। जिम सैमसन यहाँ पर देख लीजिए, मतलब 20 साल में इन्होंने 70% के CAGR से पैसे कमाया है। ओके यहाँ टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में आते हैं, तो इनसे भी सीखने का, ये भी हेज फंड इन्वेस्टर है। अगर बात करें हेज फंड ट्रेडर्स है तो यहाँ पर आपको समझना है कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं उस हिसाब से। तो ट्रेडिंग के पर्पज, जब ट्रेडिंग की बात होती है इस टाइम एट दैट टाइम आपको क्या कहते हैं यहाँ पर पता कर आपको वहाँ पर टारगेट पता चलती है कि आपको टारगेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया ये चार्ट पैटर्न बन रहे हैं कुछ, ओके रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पर सिम्फनी में अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था, ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर हो गया कि ये शेयर आपको और भागता हुआ नजर आएगा, इसके हिसाब से यहाँ पर ये टारगेट आ गया कि ये 2141 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये टारगेट आ गया। इस तरीके से टारगेट डिसाइड किए जाते हैं, बट उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर और ट्रेडर्स आर यू। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी। ओके आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे पढ़िए। बाकी आपको बुक्स पढ़नी है, ओके बुक्स पढ़ के आपको पता चलेगी कि ये चार्ट पैटर्न ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स किस हिसाब से बनते हैं, क्या इनका पीछे का लॉजिक होता है, उस हिसाब से आपको पता चलेगी टारगेट क्या होते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टर हो तो आपको टारगेट की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, ओके सॉरी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर लेके भूलना होता है और आपको अच्छे खासे गेन उस टाइम मिल जाएंगे। बाकी इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, न्यूज़ के बेस पर आना नहीं है कि ये न्यूज़ आ गई भाग गया उस टाइम इस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया उस शेयर में, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करके शार्प करके इस तरीके से आप मार्केट में रह सकते हैं और अच्छे खासे गेन कर सकते हैं। आपको अपने आप को डिसाइड करना होगा, डिसिप्लिन आपको अपनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको हर चीज़ में यू होना जरूरी है, उसी हिसाब से फिर आप मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।